नमस्कार, आपके कार्यक्रम सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन और इस सप्ताह हमारे मेहमान हैं जाने माने भाषाविद, संस्कृति के प्रख्यात विद्वान, धर्मों के जानने वाले और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश चंद्र। आपका स्वागत है लोकेश इस कार्यक्रम में। आपने इतना काम किया है कि आपसे कुछ समझ में नहीं आता है कि किस विषय पे बात और कहाँ से शुरू की जाए, लेकिन चूंकि एक संस्था के भी आप अध्यक्ष हैं और जिसका काम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए और उसके जरिए जो है सो विभिन्न देशों से भारत के रिश्ते भी सुधरते हैं, बनते हैं, तो भारतीय संस्कृति वैसे तो पूरे विश्व में फैल गई आज से काफ़ी पहले, गौतम बुद्ध से लेकर के हम तमाम दर्शन और धर्म की बात करें तो काफ़ी विस्तार हो चुका है। अभी हम आपकी संस्था के बारे में पहला प्रश्न ये करना चाहेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है वो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में और दूसरे देशों को अपने निकट लाने में भी क्या कर रहा है। भारतीय सांस्कृतिक परिषद संबंध परिषद पिछले कई दशकों से काम कर रही है, बहुत बड़ा काम किया, कई ग्रंथों के अनुवाद भी किए हैं और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि वो अपनी भाषा में ही भारत के दर्शन को पढ़ सकें। जैसे गीता का अनुवाद हुआ अरबी में, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम पता लगे कि हम हिंदू धर्म का अनुवाद अरबी में हुआ है। जी हाँ, पहले नहीं था। और इसी प्रकार से सारे एशिया के देशों के अंदर भारतीय संस्कृति का जहाँ जहाँ प्रसार है वो चाहते हैं कि उस प्रसार को समझने के लिए, उसके तत्व को समझने के लिए भारत के अंदर गोष्ठियाँ हों, सम्मेलन हो। तो पिछले 1.5 वर्ष से जब से मैं यहाँ आया हूँ हमने बहुत सी गोष्ठियाँ की हैं। अभी फरवरी के अंदर यूरोप के अंदर जो भारतीय जाति के लोग बसते हैं, जिनको जो अपने को रोमा कहते हैं, जिनको इंग्लिश में जिप्सी कहते हैं, उनका सम्मेलन हो रहा है। कोई सब यूरोप के देशों से लोग आएंगे, उनमें कई संसद सदस्य हैं, कई मंत्री हैं। संसार भर में कोई 3 करोड़ रोमा रहते हैं, वो हिंदी भाषा का बोलते हैं, उनकी भाषा में कोई भाषा के शब्द है उसमें हिंदी भाषा के, व्याकरण भी हिंदी का है जी। और उनकी प्रत्येक भाषा, उनकी अनेक बोलियां हैं, क्योंकि कई समय समय पर ये लोग यहाँ से गए तो उस समय के भी उसके अंदर प्रतिबिंब हैं, तो भाषाओं में अंतर है। क्या आपका मानना है कि जो रोमा है या जिप्सी जिनको आप कहते हैं वो क्या भारत से गए हुए लोग हैं? उनकी भाषा है, उनका जितना जीन्स है वो सब भारतीय हैं, देखने में बहुत अधिक भारतीय लगते हैं और वो अपने आप ही कहते हैं कि मी दादेस को थे, भारतवर्ष जो है वो मेरे दादाओं का धाम है, दादाओं का घर है। तो उनके साथ वो अपनी नई भाषा बनाना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड जिप्सी जो संसार के सब जिप्सी लोगों के काम आ सके, आपस में वो अपनी भाषा में ही बात कर सकें, तो उसके लिए सम्मेलन में काम होगा। इसी प्रकार से पिछले दिनों में हमने एक सम्मेलन लंदन में किया था भगवद गीता पर, उसका बड़ा अभिनंदन हुआ यूरोप में, क्योंकि पहली बार इस प्रकार का सम्मेलन वहाँ हुआ जहाँ भारत के पंडित भी गए, वहाँ के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के विद्वान आए, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, पेरिस के सोरबोन से, बर्लिन से, उन सब विद्वानों को थोड़ा लगा कि हम आधुनिक भारतीय लोग अपनी भगवद गीता को कैसे देखते हैं। और विशेष करके महात्मा गांधी जी ने जो भगवद गीता का सदा पाठ किया, सदा आश्रय लिया, वो भी उनके लिए बड़ा रोचक है कि इस प्रकार से भारतीय लोग अपने राजनीतिक दर्शन को एक बड़े उदात्त स्वरूप में देखते हैं। और गीता का अनुवाद तो लैटिन में बहुत जमाने से होता आ रहा है, अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद कई हो चुका है। हम देखते हैं जर्मनी के विल्हेम हुम्बोल्ट ने उसका अनुवाद, इसकी खास गीता के लिए उन्होंने संस्कृत सीखी, या इमर्सन, तमाम जो अमेरिका यूरोप के बड़े बड़े विद्वान हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आजकल के भारतीय भगवद गीता को कैसे देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी हैं, उनके समय में भगवद गीता को कैसे देखा गया, तिलक को कैसे देखा गया, तो इन सब बातों की वो चर्चा करना चाहते हैं। संसार में इस समय धर्म का अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं, उग्रवाद भी दिखाई देता है, आतंकवाद आदि अनेक रूप दिखाई देते हैं, तो वो समझना चाहते हैं अनेक धर्मों की जो वार्तालाप है, जिसे इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं, उस डायलॉग में भारतीय अपने दर्शन को कैसे देखते हैं। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्म हैं, शांतिपूर्वक लगभग रहते हैं,
और आज से नहीं शताब्दियों से रह रहे हैं, तो भारत का जो एक बड़ा सौमनस्य का वातावरण है सामाजिक दृष्टि से, यद्यपि अनेक प्रकार के धर्म हैं, इसको वो समझने के लिए बड़े उत्सुक हैं, क्योंकि उनके देशों में भी ये समस्या आ रही है। तो हम लोग जितनी भी गोष्ठियाँ कर रहे हैं, अब जैसे हम लोग एक गोष्ठी पोलैंड में कर रहे हैं, उसमें लिथुआनियन भाषा पे गोष्ठी होगी। लिथुआनिया की एक भाषा है जिसमें आज तक संस्कृत की सातों विभक्तियाँ बोली जाती हैं। किसी भी संसार की भाषा में जो संस्कृत से निकली है, हिंदी है, बंगला है, मराठी है, या जो भी है, और तेलुगु है, जब तेलुगु तो नहीं कहा जाए, पर और अनेक भाषाएँ जो हैं उनमें कहीं भी सातों विभक्तियाँ सुरक्षित नहीं हैं, लिथुआनियन में हैं। तो उसके लिए गोष्ठी हो रही है पोलैंड के अंदर कि किस प्रकार से भाषाओं में परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से भाषाएं इतने प्राचीन रूप को आज भी बोलती हैं। आपने तो भारोपीय जो भारतीय यूरोपीय भाषाएं हैं उन पे तो आपने काफ़ी काम किया है, तो क्या संबंध आपने अपने काम में क्या पाया कि भारत की जो भाषाएं और यूरोप की जो भाषाएं हैं, जिसको कि हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भारोपीय कहते हैं, उनमें क्या समानता है और कौन भाषा कहाँ से कहाँ गई? देखिए, भारोपीय भाषाओं में अनेक प्रकार के स्तर हैं। जैसे ऋग्वेद का शब्द अश्मन है, आकाश के लिए, ये केवल फारसी में आसमान के रूप में जीवित है और किसी भाषा में ऋग्वेद का अश्मन नहीं बचा। अब जैसे इंग्लिश में ड्रेपर्स एंड टेलर्स है, टेलर्स एंड ड्रेपर्स है, ड्रेप्स, ड्रेप का अर्थ है वस्त्र। ऋग्वेद में द्रापी शब्द आता है, परंतु केवल इंग्लिश में द्रापी शब्द का जो ड्रेप रूपांतर है वो बचा है। तो इस प्रकार से संस्कृत के बहुत से शब्द, विशेष करके ऋग्वेद के, अनेक भाषाओं में अलग अलग रूप से बचे हैं। किसी भाषा में कोई शब्द है, किसी में कोई है, और मतलब वो शब्द उसी रूप में गया लेकिन अब भ्रंश होते होते उसका स्वरूप बदल गया। हाँ जी, अब जैसे इंग्लिश का मैन शब्द है, मिडल इंग्लिश में एम ए एन यू है, मनु, वो प्राणी जो सोचता है, मनन करता है, मन धातु से। इसी प्रकार से पशु है, पशु का अर्थ है जो प्राणी देखता है पर चिंतन नहीं करता, तो मनुष्य और पशु में अंतर है। अब लैटिन के अंदर ये जो शब्द है, दिएवोस देव है, और मनुष्य जो है होमोस है, देव तो आकाश का प्राणी है, और होमो जो है, होमोस जो है वो ह्यूमस से है, मिट्टी से है, मिट्टी का अर्थात धरती का प्राणी है। तो वहाँ पर जो मनुष्य की कल्पना की गई वो चिंतक के रूप में, विचारक के रूप में नहीं की गई, परंतु धरती के निवास के कारण उसकी की गई। फिर पशु जो है वो पेकुस है, जिससे इंग्लिश में पेक्यूनियरी बनता है, लैटिन में पेकुस है। पेकुस का लैटिन में कोई अर्थ नहीं है, उसका संस्कृत में पश धातु से अर्थ बनता है, क्योंकि देखता है जो। तो ये जो सारा का सारा पेक्यूनियरी का अर्थ तो हम लोग अलग जानते हैं, जो अर्थ से संबंधित होता है। नहीं, ये बातें आवश्यक इसलिए हो गई हैं कि इस समय कंप्यूटर में अनुवाद की प्रक्रिया डालना चाहते हैं। जब ये भाषा का अध्ययन करते हैं तो कंप्यूटर के लिए सब भाषाओं के रूप देख रहे हैं, किस प्रकार से परिवर्तन है, किस प्रकार से अर्थों के परिवर्तन है, किस प्रकार से अर्थ छायाओं के परिवर्तन है। लिंग्विस्टिकल इंटरनेट से अनुवाद होता है, उसमें तो एक समस्या है ना बहुत, वो मशीन ट्रांसलेशन के लिए, यंत्रों के द्वारा अनुवाद करने के लिए, ये सब जो भाषा की जो अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्ति है उसको अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रकार से किस भाषा में हो रहा है, किस भाषा में कौन सा शब्द बच गया, कौन सा मर गया, क्यों मर गया, और किस प्रकार से मनुष्य का चिंतन चलता है। मनुष्य का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है उसमें भाषा का बड़ा भारी स्थान है, और इसको करने के लिए संस्कृत जो है वो बहुत उपयोगी है, क्योंकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द का अर्थ है। मैन का अंग्रेजी में कोई अर्थ नहीं है, और मिडिल इंग्लिश में मनु है, स्पष्ट रूप से मनु है। अब संस्कृत में तो मन धातु है, उससे मनु बना, उससे मैन इंग्लिश का वो निकल गया, अब मॉडर्न इंग्लिश में तो वो मैन रह गया। तो ये जो सब प्रक्रियाएं, अब अभी हम लोगों ने ICCR की ओर से बेंगलुरु एक बड़ा भारी सम्मेलन किया, जिसमें भारत का शून्यवाद, बौद्ध धर्म का शून्यवाद, और मॉडर्न मैथमेटिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में क्या है। अब क्वांटम फिजिक्स से भी आगे जो हाइजेनबर्ग में विजनरी फिजिक्स बनाई है, उसका बहुत अधिक दर्शन जो है वो शून्यवाद से चलता है। तो उन यूरोप के भौतिकी के विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ और दर्शन के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया है।
तो ये आधुनिक जो विज्ञान का विकास हो रहा है विशेष करके फिजिक्स में, तो विज्ञान में भी काफी दिलचस्पी है। मैंने देखा कि आपने काफी है पौधों पे, वनस्पति शास्त्र पे, मतलब मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, कमाल, कई चीजों पे आपने कई खंड पुस्तकें लिख डाली है आपने। तो विज्ञान में भी रुचि है, परंतु यहाँ सांस्कृतिक संबंध परिषद में तो मेरी रुचि ये है कि विद्वान, संसार भर के विद्वान आए और वो समझें कि भारत जो है एक विचारक देश है, एक जो भविष्य का जो विज्ञान बन रहा है उसमें भी भारतवर्ष की देन हो सकती है। और वो ये मांग स्वयं करते हैं, हम नहीं प्रचार करते, वो स्वयं मांग करते हैं। जब से मैं आया हूँ मेरे पास बहुत पत्र आते हैं, क्या आप ये कीजिए। धरोहर ही जो है यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के जो धर्म भी है वो तो इस तरह से जो है सामंजस्य और जो कहते हैं कि सबको समेटने वाला जो है समावेशी जो है वो संस्कृति रही है, तो उसमें तो हजारों साल से पूरे विश्व की दिलचस्पी रही भारत है। भारत का जो धर्म है, क्योंकि वो किसी एब्सोल्यूट को स्वीकार नहीं करता है, वो रिलेटिव को स्वीकार करता है, सापेक्ष को स्वीकार करता है, निरपेक्ष को नहीं। निरपेक्ष का चिंतन तो है परंतु उसका आग्रह नहीं है सापेक्ष के कारण, इसलिए जो भारत का खुला आपका क्या मतलब एब्सोल्यूट को नहीं करता है। गीता के भी आप बात कर रहे थे तो उसमें तो भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, तो क्या ये एब्सोल्यूट नहीं है। धर्म जो है, धर्म के अर्थ का प्रश्न उठता है। धर्म जो है वो लौकिक धर्म भी है और वो पारलौकिक भी, आध्यात्मिक धर्म भी है, तो वहाँ धर्म वहाँ किस अर्थ में प्रयोगी का इस पर विवाद हो सकता है। परंतु तो सामान्य रूप से हमारे यहाँ जो एक सापेक्ष चिंतन था उससे समाज में खुलापन है, और यूरोप में आज ये बहुत अधिक आवश्यकता है कि सापेक्षता का दर्शन आए, और वो भारत से अधिक कहीं उनको उसका विस्तार नहीं मिलता है। हमारे यहाँ जैसे योग है और सांख्य है, वेदांत है, तो इन इनमें जो दर्शन का है तो उसको वो आधुनिकीकरण में लगे हुए हैं। मेरा प्रयास ये है कि भारत का और यूरोप का चिंतन का एक समागम हो। आधुनिकीकरण क्या होगा, वो तो वेद को लोग नहीं समझ पाए तो इसी कारण से तो फिर जो है सो आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वो सारी चीजें तो इसी क्रम में बनती चली गई। पुराण की लोगों तक कैसे उसको पहुंचाया जाए, क्योंकि वेद जो सर्वग्राह्य नहीं था, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता था, तो इसके लिए जरूरत पड़ गई उपनिषद की, आरण्यक, ब्राह्मण और पुराण में आपने फिर कथाओं के माध्यम से लोगों को बताया। भारत के दर्शन का विकास एक अपने में है, दूसरा ये है कि संसार को उससे क्या मिल सकता है, आधुनिक विज्ञान को क्या मिल सकता है। तो मेरे यहाँ पर जो हम लोग विशेष रूप से काम कर रहे हैं, यूरोप के जो दार्शनिक हैं, यूरोप के जो गणितज्ञ वैज्ञानिक हैं, उनके सहयोग से उनको सहयोग देना चाहते हैं कि वो भारतीय दर्शन को समझें, उसमें से देखिए वो क्या ढूंढते हैं, क्या पाते हैं। अब कृत्रिम मानव की जैसे रोबोट की रचना हो रही है, उस कृत्रिम मानव की भाषा क्या होगी, वो कैसे सोचेगा, उसकी मनीषा क्या होगी, कहीं वो हम लोगों को मारने ही ना आ जाए, कहीं वो कोई गड़बड़ और ना कर दे। तो ये सब जो मनुष्य का कॉन्शियस स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, चैतन्य का जो अध्ययन है, इससे भारत उनको बहुत कुछ मिल रहा है। तो मेरा यत्न ये है कि हम लोग जो हमारा चिंतन है वो आधुनिक विज्ञान का भाग बन सके, उसमें सारे के सारे यूरोप के, अमेरिका के, चीन और जापान के विद्वान भाग ले सकें, और उस भाग लेने में मनुष्य जाति को जो है सुख और शांति मिले, संघर्ष नहीं। एक छोटा सा अंतराल यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। आपसे बहुत सारी बातें हैं, समय तो खैर कम ही है, लेकिन फिर भी कुछ और मुद्दे हैं जो अनुवाद हो रहे हैं उसके बारे में। आपके पिताजी भी बहुत बड़े मनुष्य चिंतक विद्वान थे, तमाम विषयों पर बात करें। छोटा सा अंतराल। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर लोकेश चंद्र से, जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष हैं।
लोकेश जी, आप कह रहे थे कि कैसे इसकी संस्कृति को पूरा जो है पूरे विश्व में फैलाया जाए, वो तो उस जमाने में चला गया। कभी ये अपने आप में सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि जिस जमाने में कोई मीडिया नहीं था, कोई अखबार नहीं थे, कुछ नहीं था, उस समय भगवान बुद्ध का दर्शन पूरे विश्व में चला गया, जैन धर्म भी। देखिए, भारत में समुद्र यात्रा जो है जी, वो पहली शताब्दी से बड़े वैभव से आरंभ हो जाती है। फाहियान जब चीन जाने लगे, घर लौटकर जाने लगे चीन, तो उस समय उनने अपने जलयान का वर्णन किया है। वो यहाँ से ताम्रलिप्ति से कांची आए, कांची से श्रीलंका गए, श्रीलंका से वो जावा गए, जावा से फिर वो चीन गए। तो जो जावा से चीन गए उसका वर्णन किया कि उसमें 200 यात्री थे, 50 दिन का पानी और 50 दिन का भोजन। तो अनुमान कर सकते हैं कितना बड़ा जलयान होगा। और उन्होंने 30 दिन की यात्रा थी, परंतु प्रबंध 50 दिन का किया। कई बार अंधड़ आ जाता है, कई बार कुछ आ जाता है। और इन सब यात्राओं के अंदर भारत के जो लोग जाते थे वो अपने साथ पूजा संस्कृति की सामग्री ले जाते थे, परंतु मूल रूप से व्यापार के लिए जाते थे। तो ये जो सारा सांस्कृतिक प्रसार है, इसके पीछे बड़ा भारी आर्थिक तंत्र था। वो आर्थिक तंत्र जो था उसमें वहाँ जिस देश में जाते थे उसके लिए भी लाभकर था, हमारे लिए भी लाभकर था। तो मनुष्य, ये संस्कृति का जो प्रसार हुआ है, इसके अंदर बड़ा भारी योगदान भारत का और भी क्षेत्रों में था। जैसे यहाँ पर कंबोडिया में गए, कंबुज देश में गए, वहाँ की जो रानी थी, जब उसको हरा दिया तो सबसे पहला काम उसके पत्ते उतरवा कर उसको सारोंग पहनवाया, कपड़े पहनवाए। जब उसने कपड़े पहन लिए तो उसको फिर बताया कि आप लोग तो भोजन इकट्ठा करते हैं या शिकार करते हैं, परंतु हम लोग खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो कंबोडिया में खेती आरंभ की, सिंचाई आरंभ की, नहरें खोदनी आरंभ की, बहुत बड़ा सिंचाई का कार्यक्रम आरंभ किया। उनकी भाषा लिखी नहीं जा सकती थी तो संदेश भेजने में कठिनाई होती थी, लोग दौड़ते थे, तो उनको लिपि दी। तो उनको जब लिपि दी तो राज्य जो थे वो छोटे छोटे चीफ्टन हुड्स ना रहकर वो बड़े बड़े राज्य बन गए। तो उनके उस, क्योंकि बातचीत जाने की जो सुविधा हो गई, बड़े बड़े पत्र जाने लगे, शिला लेख लिखे जाने लगे, तो उनको लिपि दी, उनकी भाषा सुरक्षित रखी। और उनको ये बड़ा गौरव हुआ कि भारतीय आए, उन्होंने हमारी भाषा को लिपि दे दी, अब हमारी भाषा तो संपन्न हो जाएगी। उनको कपड़े पहनाए तो नहीं लगा कि हम लोग तो सुंदर हो गए। उनको बड़े बड़े महल दिए, जहाँ भी हम लोग जाते थे बड़ा भारी भवन बनाते थे। वो भवन में राजा भी रहता था और पूजा भी होती थी। पत्ते वहाँ बड़े बड़े जो मंदिर बनते थे, राजभवन था, जो महल था राजा को, उसमें पूजा भी होती थी? नहीं, अलग होता था। महल में तो राजा रहता था, पर जो मंदिर था उसमें सामान्य लोग भी आ गए, सो गए, रहने लगे, साथ ही साथ होती थी। तो बड़ा भारी एक सामाजिक परिवर्तन भी हम इसमें लाए। तो जो भारतीय संस्कृति का प्रसार है उसके अंदर जो लौकिक विकास है सब जातियों का, म्यांमार के अंदर है, कंबुज के अंदर है, मलेशिया में है, वो सारा दिखाई देता है। उसके वर्णन मिलते हैं कि किस प्रकार भारतीयों ने जाकर वहाँ काम किया। अब चीनी ग्रंथों में लिखा है कि जब भारतीय जाते थे तो वहाँ सबके लोग अपनी लड़कियाँ लाते थे भारतीयों के पास कि आप इनसे विवाह कर लो। उनको कपड़े मिलते थे, उनको भोजन अच्छा मिलता था, उनको खेती सिखाते थे। तो ये जो ट्राइबल कल्चर्स थे सारे के सारे, जनजातियों के जो संस्कृति जीवन था, उसको भारतीय संस्कृति ने एक नया रूप दिया, परंतु उनके जो मूल तत्व थे उनको नहीं बिगड़ने दिया। जैसे भाषा उनकी सुरक्षित रखी। कंबुज की भाषा आज कम से कम 1500 वर्ष पुरानी मिलती है। यदि लिपि नहीं देते तो उनकी भाषा मर जाती। चंपा की चाम भाषा है, जो आज वियतनाम का समुद्र तट है, उनकी भाषा भी आज तक सुरक्षित है। क्यों? लिपि दे दी उसको। मतलब वियतनाम में भी लिपि दी भारत ने? नहीं, वियतनाम में लिपि नहीं दी, केवल समुद्र तट पे दी। वियतनाम में तो चीनी लिपि प्रयोग होती थी, परंतु जब फ्रेंच लोग आए तो उन्होंने वियतनामी को रोमन में लिखना आरम्भ कर दिया। आज वियतनामी अपनी भाषा रोमन भाषा में लिखते हैं, रोमन अक्षरों में लिखते। कंबोडिया को लिपि दी भारत? कंबोडिया को दी, इंडोनेशिया को दी, थाईलैंड को दी, मलेशिया को दी, जितने ये द्वीप थे सबको लिपि दी। और इनकी जो लिपियाँ थी, इनकी भाषाएं थी, इनकी सुरक्षित रही।
तो इनको ये कभी लगा नहीं कि हमारा जो हमारी अस्मिता को आघात हो रहा है, इनको लगा हमारी अस्मिता जो है अधिक पुष्पित पल्लवित हो रही है। और आज भी जो मेरा ICCR के अंदर प्रयास है कि हम लोग चिंतन के द्वारा, संयुक्त अनुसंधान के द्वारा, चर्चा के द्वारा मनुष्य जाति के अंदर नए आविष्कारों का साधन बने। केवल अपनी संस्कृति के प्रसार का लक्ष्य ये नहीं कि किसी देश के समाज के आगे बढ़ने के लिए तो जो पूरे विश्व में जो हो रहा है, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं होगी, जापान ने तो यही किया कि अपनी संस्कृति अपनी भाषा को तो सुरक्षित रखा, लेकिन जो भी अनुसंधान आविष्कार हो रहे थे, जो नई पुस्तकें आती थी, सबका जहाज जो आता था उससे पुस्तक निकालो, उसका अनुवाद करवाओ जापानी में और लोगों को पहुँचाओ। तो वो टेक्नोलॉजी के मामले इतने समृद्ध हो गए, मजबूत हो गए कि उन्होंने रूस को ही हरा दिया 1905 में। तो वो तो है कि अपनी संस्कृति भी सुरक्षित रखो और बाहर से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी जो है सो आत्मसात करो। लेकिन एक समस्या जो होती है कि जब आपकी संस्कृति जाती है, आपका ज्ञान जाता है, अनुवाद, क्योंकि भाषाएं अलग अलग हैं, अनुवाद कितना शुद्ध हो पाता है? जैसे मैंने सुना कि चीन में शुद्धोधन का अनुवाद प्योर राइस कर दिया, वो जरा आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप इतने बड़े अनुवाद जो है वो बहुत से भारतीय लोग जाते थे जो इधर, उनको पता नहीं होता था संस्कृत के शब्द का अर्थ क्या है। और सदा तो पंडित लोग नहीं गए हैं, संस्कृत पढ़ते थे पर सब बात नहीं जानते थे। जैसे चीन में भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोदन हैं, उन्होंने ओदन को समझ लिया ये भात है, पका हुआ चावल है। वास्तव में तो शुद्धोदन का अर्थ ये है कि वो शुद्ध पानी देते हैं, लोगों को सिंचाई के लिए पानी देते हैं। उदन शब्द जो है वो वैदिक शब्द है, इसलिए हमारे जो आचार्य यहाँ देशों में गए उन्हें उदन वैदिक शब्द की परिभाषा पता नहीं थी। वो लोग बौद्ध थे, वैदिक साहित्य पढ़ते नहीं थे, तो इसलिए शुद्धोदन का अनुवाद करना कठिन था। और ऋग्वेद के अंदर ही ये केवल शब्द आता है उदन इस अर्थ में, तो और फिर जो नदी है उसको उदनयु कहते हैं। इस तरह से तो विकृतियाँ बहुत सारी जगहों पे आ गई। हाँ, विकृतियाँ बहुत हैं, परंतु फिर भी जो एक सामान्य रूप है वो विलक्षण है भारतीय, भारत का, चीन का, भारत का, जापान का, भारत का, कोरिया का, कहीं भी आप जाइए तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई भारतीय वस्तु मिलेगी। अब बेइजिंग नगर के अंदर ही 1600 विहार और मंदिर हैं, बौद्ध मंदिर। एक प्रकार से सबसे बड़े वो नगर राष्ट्रीय राजधानी है जहाँ इतने मंदिर हैं, 1600 मंदिर हैं। दिल्ली के अंदर संभव है इतने बौद्ध मंदिर हैं 1600 बेइजिंग के अंदर। और आधुनिक भी हैं, जैसे वहाँ पर अभी एक नया मंदिर बना है हनुमान जी का। पिछले अभी से कुछ मास पूर्व जब चीन के अंदर केवल एक बच्चा कर सकते थे तो माताएं जाती थी कि हमें पुत्र हो, तो वो हनुमान जी से प्रार्थना करती थी। आधुनिक मंदिर बना, और ये परंपरा बहुत पुरानी है चीन में हनुमान जी से बंदर पुत्र मांगने की। तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि बाहर के देशों में भी हनुमान की पूजा होती है और बौद्ध विहार है, तो हनुमान की पूजा नहीं, बात भी सहनशीलता पे हो रही है और आरोप लग रहा है कि असहिष्णुता बढ़ गई है, उस पे छोटी टिप्पणी, समय बहुत कम है, छोटी टिप्पणी आपका चाहूंगा। देखिए, असहिष्णुता के निवारण के लिए बहुत प्रयास हो रहा है, हमें उसको प्रश्रय देने की बड़ी आवश्यकता है। और डायलॉग संवाद की बात नहीं, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अनेक रूपता जो है वो एक रूपता का दूसरा रूप है, अनेक रूपता, प्लूरैलिटी हैज टू बी एक्सेप्टेड एज ए मेजर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मल्टीफैसेटेडनेस, प्लूरैलिटी, फैसेट्स नहीं, या प्लूरैलिटी, उनमें मतभेद हैं, उनमें उग्रता, सर्वथा परस्पर विरोधी तंत्र हैं। तो यदि हम परस्पर विरोधीता को, अन्य रूपता को स्वीकार कर लेंगे तभी जी सकेगा संसार। तो उसके लिए भी यूरोप में अब चिंतन आरंभ होने लगा है। अपने यहाँ जो आरोप जो कुछ लोग लगाते हैं वो कितना सही है असहिष्णुता के बारे में? भारत में तो जितनी सहिष्णुता है इतनी मेरा विचार संसार में कहीं नहीं है। आप देख तो रहे हैं कितनी सहिष्णुता, अभी पठानकोट में जो हुआ, कितने उदार रूप से, कितने ढंग से, बिना कोई गाली दिए हुए, बिना किसी को आरोप लगाए हुए हम लोग उसका अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। असहिष्णुता भारत में कभी नहीं। आप जब इसके अध्यक्ष बनाए गए तो आपने एक साक्षात्कार में अखबार में कह दिया था कि मोदी इज गॉड। नहीं, मैंने इंग्लिश में मेरा साक्षात्कार था, मैंने कहा था ही इज द इनकार्नेशन ऑफ द डिवाइन। मैं गॉड और डिवाइन में अंतर करता हूँ।
डिवाइन अंतरात्मा में है, हृदयस्थम भावय देवम, जो आपके अंदर दिव्यत्व है उसको उजागर करो। आसमान का बाहर वाला ऊपर वाला नहीं है, अंदर वाला है, और वो आप हैं, वो अन्यता नहीं है। दिव्यत्व जो है वो अन्यता में निष्ठ ना, तो नहीं, मैंने इनकार्नेशन द डिवाइन, और मैं आज भी मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान का अवतार है। ये भगवान नहीं कह रहा, भगवान का अवतार है। प्रत्येक व्यक्ति में दिव्य तत्व होता है, चाहे आप हैं चाहे आप हैं, प्रत्येक में दिव्य अंश है। वो दिव्य अंश कितना प्रकट हुआ ये प्रश्न है। ये भारत का दर्शन है जो मनुष्य को दिव्यत्व का केंद्र समझ, अब हाँ सीमाओं में हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दिव्यत्व विराजमान है, उसको जागृत करना उसका कर्तव्य है। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री वो जागृत है, प्रधानमंत्री में जागृत है, और उन्होंने जो जिन परिस्थितियों में आए हैं देश की उनकी चर्चा तो करनी नहीं है, परंतु वो बड़ी विलक्षण परिस्थितियाँ थी, उनके आने से देश को एक विशेष रूप से विकास करने का। आपके संबंध में इंदिरा गांधी से भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने आपको दो बार राज्यसभा में मनोनीत सांसद बनाया। वो युग अलग था, आज युग अलग है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत भिन्न हो चुकी है, भारत के ऊपर सांस्कृतिक आक्रमण अनेक प्रकार के हैं। उस समय कुछ नहीं था, उस समय भारत बड़ा भव्य था, मैं कहूँगा उस समय संसार में भी अधिक शांति थी, उग्रवाद आदि इतना नहीं था, परिस्थितियों के अनुसार जो है अलग अलग समय। संबंध इंदिरा जी से अच्छे थे? मेरे संबंध अच्छे थे सदा। देखिए मैं विद्वान हूँ वास्तव में, मैं राजनैतिक पुरुष उस अर्थ में नहीं हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं समझता हूँ कि भिन्नता जो है वो मनुष्य का जीवन है। जैसे इंडोनेशिया में कहते हैं ना, भिन्न का तुंगली का, जो एक है वो वास्तव में भिन्न का रूप है, अनेक भिन्न में आके एक बनता है। लेकिन इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दो ध्रुव पे हैं, ये तो दूर में, तो दोनों में कोई साम्य नहीं, दोनों के अंदर मैं समझता हूँ दोनों देश के विकास के लिए आए हैं। मुख्य लक्ष्य उनका देश का विकास करना था, व्यक्तित्व भी छोड़ दीजिए, दल भी छोड़ दीजिए, हम सब लोग जितने भी राजनीति में आए हैं वो एक आदर्श के लिए आए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सैनिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, प्रत्येक जितने भी जीवन के पक्ष हम चाहते हैं देश उत्कर्ष को पहुँचे, क्योंकि हम लोगों में एक मूल मान्यता है कि भारतवर्ष जो है वो सदा उत्कर्ष उन्मुख देश था। लोकेश जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जो आप कह रहे हैं कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद काफी काम कर रहा है और गीता पे सम्मेलन हुआ, तो इसी से समाप्त, विज्ञान पर भी हुआ, गीता पर ही नहीं, केवल विज्ञान पर भी हुआ, भी हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा, विज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना साहित्य है, कला है, विज्ञान का भी वही स्थान है पूरे विश्व में। इसी तरह से जो भारतीय संस्कृति और जो भारत का जो समन्वयवाद है, जो सहिष्णुता की परंपरा है, वो आगे बढ़े और अपने देश में, तो आप कह रहे हैं कि सबसे सहिष्णु देश का ही। बहुत धन्यवाद, और ये थे डॉक्टर लोकेश चंद, जिन्होंने विस्तार से बताया, और वही बात है कि भारत इतना सहिष्णु देश, और जो भारत की संस्कृति का पूरे विश्व में क्या असर हुआ है, और जिस तरह से ये संस्था उसको प्रसारित और प्रचारित कर रही है, वो हम लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम को देखने के लिए।